नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंजलि और हम बात कर रहे हैं किसान आंदोलन की। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों की क्रांति जारी है। दिल्ली में ठंड का भयानक प्रकोप है, लेकिन किसान इस कपकपाती सर्दी में भी हार मानने को तैयार नहीं है। उनका ये साफ कहना है कि वो बॉर्डर से उठने वाले नहीं है। आपको किसान आंदोलन से जुड़ी सभी खबरें दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए आंदोलन की वो 24 तस्वीर। आज 24वां दिन है किसान आंदोलन का और ये 24 दिनों की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। किसान 24 दिनों से लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। आपके सामने किसान आंदोलन के 24 दिनों की 24 तस्वीरें हैं, जिसमें आप एक एक दिन की किसान क्रांति की तस्वीर देख सकते हैं। 26 नवंबर से दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था, जो आज 24वें दिन भी जारी है। बड़ी खबर है, दिल्ली के बॉर्डर पर जारी है किसानों का यह आंदोलन और 24 दिनों से बॉर्डर पर यूं ही डटे हुए हैं किसान। कि कृषि कानून रद्द करने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं, कानून रद्द होने तक बॉर्डर पर ही रहेंगे, ये किसान संगठन ने दो टूक कह दिया है। सिंघू बॉर्डर, टिकरी और गाजीपुर में कर रहे हैं प्रदर्शन। तस्वीरें हैं आप यहां पर देखिए कि रात के 2 बजे का ये समय है और बाकायदा एक तिरपाल डालकर ज़मीन पर किसान यहां पर सोने को मजबूर हैं। सिर्फ एक चादर के भरोसे यहां पर और एक कंबल के भरोसे ये सर्द रातें किसान यहां पर काट रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो किसानों ने जो ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ हैं उसके भीतर भी इंतजाम किए हुए हैं। जो ट्रैक्टर ट्रॉली पंजाब हरियाणा से किसान अपने साथ लेकर आए थे, उसमें सोने की इस तरीके से व्यवस्था कर रखी है ताकि जो ठंडी हवा है वो ट्रॉली के भीतर ना जा पाए। तो कुछ किसानों ने दूसरे तरीके के इंतजाम भी यहाँ पर किए हुए हैं। कुछ इस तरीके के छोटे छोटे टेंट पूरे सिंघू बॉर्डर पर आपको दिखाई पड़ेंगे, जहाँ पर सर्द रात में किसान अपनी रातें काट रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।